Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you must be fine and happy and healthy. So, today I am going to tell you one story. This is our story time. Today I am going to tell you one story about the wise fox and the crow. So, ये बुद्धिमान लोमड़ी और ये एक कौवा, इसकी स्टोरी सुनाने में आपको जा रही हूँ, ठीक है? Once upon a time, there was a crow, एक बार एक कौवा था, यहाँ वहाँ काँ 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 करता हुआ, यहाँ वहाँ घूम रहा था जंगल में, अब उसके पेट में उसको भूख लग रही थी, उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और वो ढूंढ रहा था कुछ खाने को मुझे मिल जाए, कुछ खाने को मुझे मिल जाए, कुछ खाने को मुझे मिल जाए। और उसको क्या मिला? He was surprised। वो तो हैरान रह गया। देखो उसको क्या मिला? उसको मिला एक पनीर का टुकड़ा। क्या मिला उसको? उसको मिला एक पनीर का टुकड़ा। और उसने बोला, वाह भाई, आज तो मुझे पनीर मिला है, तो मैं पनीर खाऊंगा, पेड़ पर चढ़कर बैठ के आराम से पनीर खाऊंगा, मेरी तो पार्टी हो गई। तो उसने पनीर का टुकड़ा अपनी चोंच में रख लिया। जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो अपनी ईटेबल्स को कहाँ रख लेते हैं? अपनी चोंच में। आप भी मुंह में खाना खाते हो ना, तो उसने अपनी चोंच में रख लिया पनीर का टुकड़ा और वो खुश होके जाके एक पनीर एक पेड़ पर आराम से बैठ गया। अब मैं ये पनीर खाऊंगा, वाह भाई वाह। इतने में जंगल में क्या हुआ? इतने में जंगल में एक लोमड़ी आई। कौन आई? लोमड़ी, फॉक्स, जो बहुत कनिंग होती है, वो आई। और वो उसको भी जंगल में आते आते उसको भी खुशबू आ गई पनीर की। उसने बोला, है जंगल में पनीर, लेकिन मुझे खुशबू तो आ रही है और ये पनीर ही होना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये खुशबू तो पनीर की है। चलो मैं दोबारा स्मेल कर लेती हूँ। वाह, ये तो सच में पनीर की खुशबू है। तो यहाँ जंगल में पनीर कहाँ से आया? वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, उसको कहीं पर भी पनीर नहीं मिला। पर उसे लगा, नहीं भाई, खुशबू तो पनीर की ही है। और उसने अचानक ऊपर देखा तो हैरान रह गई, हाँ, एक कौवे के मुंह में पनीर, वाह भाई, आज तो मेरी पार्टी होने वाली है, आज तो मैं किसी भी तरीके से ये जो पनीर है कौवे के मुंह से छीन लूंगी और खा लूंगी। अब उसने सोचा, मैं क्या करूं, लगी सोचने। इतने में क्या हुआ? उसको दिमाग में एक उपाय आया। वो गई पेड़ के पास और उसे बोली कौवे को, कौवे, हेलो मिस्टर क्रो, हाउ आर यू? हेलो मिस्टर क्रो। हैं? कौवा हैरान, वाह, मुझे तो आज तक कभी किसी ने मिस्टर कहा ही नहीं। अरे, मुझे मिस्टर बोलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो वाओ, सो स्वीट ऑफ यू मिसेस फॉक्स, यू आर सो स्वीट, यू आर सो गुड। वाह, अभी उसने बोला नहीं, मन में सोच रहा था कि वाह भाई, थैंक यू फॉक्स, तुमने मुझे मिस्टर बोला, वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। बस फिर वो लोमड़ी उसको बोली, कौवे भाई, देखो तुम्हारा कलर कितना अच्छा है ना, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पंख कितने सुंदर है, और तुम देखो, वाह, कहने को तो मोर भी सुंदर है, लेकिन उसके पंख सुंदर है, पर तुम तो फैंटास्टिक, यू आर सो ब्यूटीफुल क्रो। अब कौवा भाई देखने लगा अपनी बॉडी को, है मैं इतना सुंदर हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे तो आज पता लगा कि मैं सुंदर भी हूँ।
इतने में ये उसको लोमड़ी उसको बोली, कौवे भाई मैंने सुना है पूरे जंगल में सबसे मीठी आवाज़ तुम्हारी है, तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत ही अच्छा गाते हो, इतना मधुर गाते हो, इतना सुरीला गाते हो, ओहो मैंने तो तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनती है सुनी हुई है, सारे जंगली जानवर सारे पक्षी सब उड़ते हैं और तुम्हारी बात मुझे बताते हैं, भाई तुम तो इतने अच्छे हो, इतना मीठा गाते हो, इतना सुरीला गाते हो। तो कौवे ने सोचा हैं, अच्छा मैं इतना सुरीला गाता हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो लोमड़ी उसको बोली, कौवे भाई देखो कहने को तो कोयल भी अच्छा गाती है, बहुत मीठा और सुरीला गाती है, उसका गला बहुत मीठा है, लेकिन तुम तो यू आर सो फैंटेस्टिक, तुम तो बहुत मधुर गाते हो। अब कौवे भैया मुझे एक गाना सुना दो ताकि मैं भी तो तुम्हारा मीठा गाना सुन सकूँ ना। कौवे ने बोला हाँ क्यों नहीं लोमड़ी बहन, क्यों नहीं, तुम रुको मैं तुम्हें अभी गाना सुनाता हूँ। तो लोमड़ी गाना सुनने के लिए नीचे खड़ी हो गई और कौवे ने गाना सुनाना शुरू किया, काँव 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 काँव, काँव 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 काँव, काँव 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 काँव। जैसे ही कौवे ने काँव काँव करके गाना गाया, कौवे के मुंह से पनीर का टुकड़ा धड़म नीचे गिर गया है ना, और लोमड़ी ने वो पनीर का टुकड़ा उठाया और जंगल में भाग गई ऐसे करके उसको खाने के लिए। अब इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला आप मुझे बता सकते हैं? कोई भी जब भी तुम्हारी प्रशंसा करे, हर बात को उसमें मत लेना कि भाई बहुत अच्छा मैं गाता हूँ, झूठी तारीफ नहीं सुननी, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है आपको, झूठी बातें नहीं सुनकर उसकी तारीफ में नहीं आना है। तो आप देर इज़ अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट। अब क्रो फिर जाकर एक पेड़, अब आ गया हमारा 2020 का टाइम, अब क्रो एक पेड़ पर जाकर फिर बैठ गया है ना, ऐसे ही अपने मुंह में एक पनीर का टुकड़ा लेकर वो फिर बैठ गया ऐसे पेड़ पर जाकर। अब फिर लोमड़ी जंगल में आई, लोमड़ी जंगल में आई, लोमड़ी ने फिर देखा कि क्रो के बीच में एक पनीर का टुकड़ा है, लोमड़ी ने सोचा चलो अब फिर मैं कौवे से छीनती हूँ, और लोमड़ी ने कौवे को सोचा मैं इसको एक गाना गाती हूँ, बस कौवा फिर मुझे वो दे देगा पनीर का टुकड़ा। लोमड़ी ने कौवे को प्यार से बोला, ओ मोरे कागा ओ प्यारे कागा, ओ मोरे कागा ओ प्यारे कागा, गाना तो गाओ ना ओ मोरे कागा, गाना तो गाओ ना ओ प्यारे कागा, ओ मोरे कागा ओ प्यारे कागा, गाना तो गाओ ना ओ मोरे कागा। आपको मालूम है कागा किसको बोलते हैं? कागा हिंदी में कौवे को बोलते हैं, ठीक है। अब लोमड़ी क्या कर रही थी? लोमड़ी तो कौवे की झूठी प्रशंसा कर रही थी, वो तो उसकी झूठी झूठी तारीफ कर रही थी सिर्फ उसका पनीर लेने के लिए। अब कौवा कोई अच्छा गाना थोड़ा गाता है, वो तो बस काँव 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 करता रहता है। तो उसके बाद लोमड़ी ने उसको और मक्खन लगाया और उसकी तारीफ की कौवे की, क्या तेरे पंख है क्या तेरी चोंच है, क्या तेरे पंख है क्या तेरी चोंच है, गाना तो गाओ ना ओ मोरे कागा, गाना तो गाओ ना ओ प्यारे कागा, ओ मोरे कागा ओ प्यारे कागा, गाना तो गाओ ना ओ मोरे कागा, गाना तो गाओ ना ओ मोरे कागा। कौवे ने सोचा
क्या सोचा कौवे ने? कौवे ने सोचा सचमुच मैं सुंदर हूँ। कौवे ने सोचा सचमुच मैं सुंदर हूँ, और वो गाना गाने लगा, और वो गाना गाने लगा। ओ मोरे कागा ओ प्यारे कागा, ओ मोरे कागा ओ प्यारे कागा, गाना तो गाओ ना ओ मोरे कागा। अब कौवे ने क्या किया? कौवे ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, है ना। अब अगर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता, अपने दिमाग का प्रयोग करता, तो कौवे को पता लगता कि मेरी बीक जो है वो खुल जाएगी और जो पनीर है वो नीचे गिर जाएगा, और जो लोमड़ी है वो लेकर उसको झटपट 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 भाग जाएगी। लेकिन कौवे को नहीं पता लगा। कौवे ने गाया काऊ 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 काऊ, कौवे ने गाया काऊ 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 काऊ। और जैसे ही कौवे ने गाना गाया, उसके मुंह से चीज नीचे गिरा, मुंह से चीज नीचे गिरा। लोमड़ी ने झट से पनीर उठाया, लोमड़ी ने झट से पनीर उठाया। कौवे को बोली बाय बाय कागा, कौवे को बोली बाय बाय कागा, कौवे को बोली बाय बाय कागा, कौवे को बोली बाय बाय कागा। कौवा बेचारा पछताता रह गया, कौवा बेचारा पछताता रह गया, और वो भूखा रह गया, और वो भूखा रह गया। उसके पेट में तो पहले ही चूहे कूद रहे थे, अब और बेचारे का भूख से बुरा हाल हो गया। अब इस कहानी में एक दूसरा ट्विस्ट आता है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब देखो, मैंने आपको बताया ये तो एक क्रो है, पुराने जमाने वाला, ठीक है, जो कि मेरे दादाजी के समय का, मेरे दादाजी के दादाजी के समय का, और मेरे दादाजी के समय का। तब यही होता था, क्रो पनीर लाता था, रोटी लाता था, और लोमड़ी उसका पनीर लेकर भाग जाती थी। लेकिन अब बुद्धिमान क्रो हो गए हैं सब। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे पास एक 2020 का क्रो भी है, ये रहा, ये देखो, ये नया क्रो है, ये 2020 का क्रो है, ठीक है ना। ये बुद्धिमान है, अपनी अकल का प्रयोग करता है, है ना। आप देखो, इस क्रो से आप पहले भी मिल चुके हैं। देखो ये जो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी एक थी ना, प्यासा कौवा वाली, वो वाली स्टोरी में था ये क्रो। ये क्रो तो घड़े में कंकड़ डालकर पानी को ऊपर लाया, फिर पी कर गया। लेकिन ये देखो, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये टेक्नोक्रेट क्रो है। इसने क्या किया? इसने घड़े में कंकड़ डालने में टाइम वेस्ट नहीं किया, इसने घड़े में स्ट्रॉ लगाई, पानी पिया और उड़ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब हमारी ये वाली स्टोरी चल रही थी, फॉक्स एंड द क्रो वाली। तो अब क्या हुआ, ये वाला जो क्रो था, ये फिर अब एक जंगल में ऐसे पेड़ पर बैठा था, ऐसे, ठीक है। अब फिर जंगल में लोमड़ी आई, लोमड़ी ने बोला, मुझे खुशबू आ रही है किसी चीज की, पनीर है ये, क्या है, अरे वाह, पनीर की खुशबू आ रही है मुझे, फिर एक बार और स्मेल करके देखती हूँ, अरे वाह, ये तो पनीर है, सच में पनीर है, जंगल में पनीर कहाँ है, अबे ढूंढती हूँ मैं। उसने यहाँ वहाँ ढूंढा, उसको कहीं पर भी पनीर नहीं मिला, ठीक है, ये देखो। फिर उसको लगा नहीं है, उसने ऊपर देखा, वाह, एक कौवे के पास पनीर। उसने सोचा, अब पहले की तरह फिर चाल चलती हूँ और इसकी पनीर जो है वो लेकर मैं झट से भाग जाऊंगी और फिर अपना पेट भर लूंगी, ये फिर भूखा रह जाएगा।
अभी उसके पास गई, उसे बोली, वाह वाह माय फ्रेंड कौवे, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। देखो मोर कितना सुंदर है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा सुंदर हो। और फिर बोली, वाओ क्रो, मिस्टर क्रो, यू सिंग सो वेल, आप इतना अच्छा गाना गाते हैं। मैंने सुना है जंगल के सब पशु पक्षी आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि ये क्रो जो है बहुत अच्छा गाता है। ही सिंग सो वेल, ही सिंग सो स्वीट, तो चलो मैं, आप मुझे गाना सुनाओ क्रो। तो क्रो ने उसको देखा, क्रो ने बोला, रुको मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। क्रो ने क्या किया, ओके मैं अभी बब्बू आपको गाना सुनाता हूँ। क्रो ने अपना पनीर अपनी बीक में से निकाला और अपने पैरों के पास यहाँ पर सुरक्षित रख लिया। ये देखो है ना, आप क्रो का पनीर यहाँ से नहीं गिर सकता। और क्रो ने बोला, हाँ हाँ लोमड़ी बहन, बोलो बोलो कौन सा गाना सुनाना है। ऐसे कौवे ने उसको गाना सुनाया, काउ 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 काउ। और उसके बाद कौवे ने बोला, बहन अच्छा अब बताओ और कौन सा गाना सुनाऊं मैं तुम्हें, तुम्हें और कौन सा गाना अच्छा लगता है मुझे बताओ, मैं वो वाला गाना आपको सुनाऊंगा। अब लोमड़ी उदास हो गई एकदम से। लोमड़ी ने सोचा, ये क्या हुआ भाई, हमेशा तो कौवा गाना गाता है, उसका पनीर नीचे गिरता है और मैं उठा कर ले जाती हूँ, अब क्या हुआ। अरे ये क्या, बहुत बुद्धिमान कौवा हो गया है ये तो, है ना। तो अब मुझे इसका पनीर नहीं मिल सकता, इसकी मतलब मेरे सारे के सारे उपाय बेकार गए। तो लोमड़ी वहाँ से, लोमड़ी ने उसको बोला, नहीं भाई कौवे भाई, मुझे और गाना नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। कौवे ने बोला, नहीं नहीं एक गाना और सुनकर जाओ। तो लोमड़ी बोली, नहीं नहीं अब मुझे कहीं काम है तो मुझे जाने दो। तो लोमड़ी वापस जंगल में चली गई, उदास होकर चली गई। उसके जाने के बाद कौवे ने अपना पनीर निकाला और देखो ऐसे अपने मुंह में रखा और गप 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 सारा पनीर खा गया कौवा, है ना। तो अब आप बताओ ये कौवा कितना बुद्धिमान है, कितना समझदार है। ये देखो आप, एक ये कौवा और एक ये कौवा, ये है हमारा पुराना वाला कौवा और ये है 2020 वाला कौवा, नया कौवा, समझदार कौवा, है ना, बुद्धिमान अक्लमंद, ये कौवा है हमारा 2020 वाला कौवा। तो अब इन दोनों कौवों में यही फर्क है, इसने अपनी अकल का प्रयोग किया और देखो लोमड़ी को गाना भी सुना दिया और उसके बाद अपना पनीर भी खा लिया, जबकि ये वाला कौवा तो बेचारा सिर्फ गाना ही गाता रह गया, पनीर तो लोमड़ी खा गई। लेकिन इसने लोमड़ी को पनीर नहीं दिया, इसने खुद खाया और उसको गाना भी सुनाया और लोमड़ी को भी एक सबक मिला कि हर कौवा बेवकूफ़ नहीं होता। पहले होता था ऐसे कि मैं कौवे को बुद्धू बनाती थी और पनीर खा जाती थी, लेकिन अब आज के तो कौवे भी समझदार हैं। तो अब मैं आप लोगों को पूछती हूँ, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी। अब आप बताओ आपको कौन सा कौवा बनना है। ये देखो अब ये ओल्ड क्रो, ये न्यू क्रो और ये हमारी फॉक्स, ये हमारी लोमड़ी। और मैं चाहती हूँ आप ये स्टोरी अपने घर में अपने दादाजी को, अपने दादी जी को, अपने मामा जी को, सबको सुनाओ, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा क्रो बनना है, ये पुराना या ये नया। नया क्रो बनोगे तो बहुत अच्छी बात है, इस पुराने क्रो की तरह नहीं बनना अब, है ना। और हमने लोमड़ी से बुद्धिमत्ता से उसका हमने सामना करना है, ठीक है।
चलो आपको प्रॉप्स भी पसंद आए। देखो ये लोमड़ी, ये एक क्रो, ये दूसरा क्रो, है ना, आपको अच्छे लगे प्रॉप्स ये। चलिए सब बच्चे अब क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। चलिए आपको अच्छी लगी स्टोरी, ठीक है, अब आप अपने घर में सुनाना इस स्टोरी को, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड एंजॉय योर डे बेटा, बाय बाय।